हाय गाइस, मैं हूं लाल बाबू कुमार। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान को अगर जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है और अगर शेर कहो तो वह खुश हो जाता है, जबकि शेर भी एक जानवर ही है। जिंदगी में हम कई बार क्या होते हैं, अपने आप को ये समझने लगते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो ये दुनिया नहीं चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे। एक गाँव में एक शिक्षक रहते थे, उनका एक परिवार था, परिवार अच्छा खासा चल रहा था, उनकी एक बेटी थी, उनका बेटा था, बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था और बेटी भी शादी के योग्य हो गई थी, बड़ी हो गई थी, जवान हो गई थी। तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो मेरा परिवार है मेरी वजह से चल रहा है, मेरे परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अगर हम नहीं रहेंगे तो यह परिवार पूरा बिखर जाएगा। तो एक बार क्या होता है, उनके गाँव में मतलब एक महात्मा जी आते हैं और महात्मा जी प्रवचन दे रहे होते हैं। उस प्रवचन का जो मेन टॉपिक होता है वो होता है घमंड। यानी इंसान को जो है घमंड आ जाता है और इंसान ये सोचने लगता है कि मेरे बिना यह दुनिया नहीं चल सकता, अगर हम नहीं रहेंगे तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, सब बिखर जाएगा। तो उस महात्मा जी का जो उनका जो भाषण चल रहा था उनका मुख्य टॉपिक था घमंड। तो महात्मा जी ये बता रहे थे कि इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, सभी में इंसानियत देखनी चाहिए। जब उनका भाषण ख़त्म होता है तो वो जो शिक्षक होते हैं उस महात्मा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं, उन महात्मा जी को कहते हैं कि महात्मा जी मुझे आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जो मेरा परिवार है वह मेरे बिना बिखर जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, अगर हम नहीं रहेंगे तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा मेरा। तो यानी हमको अपने आप पर, इंसान होने पर बहुत ज़्यादा घमंड है। तो महात्मा जी उनको कहते हैं कि एक काम कीजिए, इस सवाल का उत्तर मैं आपको देता हूँ, लेकिन आपको जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। आप 2 साल के लिए गांव छोड़कर कहीं शहर चले जाइए, वहाँ कमा करके अपना जीवन यापन कीजिए और फिर 2 साल बाद आइए, तब तक मैं मतलब आपके पूरे फैमिली को संभाल लूँगा। और हाँ, आप जब गांव से बाहर जाएंगे तो यह बात किसी को बताएंगे नहीं। तो उस शिक्षक ने ठीक वैसा ही किया, वो घर छोड़ करके शहर की ओर चल जाते हैं और किसी को नहीं बताते हैं, अपने परिवार वालों को भी नहीं बताते हैं। और वो महात्मा जी उनके परिवार वालों को कहते हैं कि मतलब मेरे आश्रम में एक शेर आया था और मेरे एक शिष्य को उठा करके ले गया। तो धीरे धीरे सब लोग गाँव मतलब गाँव के सारे लोगों को ये बात पता चलता है, गाँव के लोग भी बहुत नाराज हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ। तो गाँव के लोग भी सब मिलजुल करके और उस शिक्षक के जो पैसा इकट्ठा करके उनके बेटी की शादी कर देते हैं और उनका जो बेटा होता है वो भी बड़ा हो गया होता है। तो उसी गांव के एक सेठ के यहाँ उस बेटे की नौकरी भी लग जाती है। तो इस तरह से 2 साल बाद उनका परिवार पूरा एकदम बिल्कुल ठीक ठाक चलने लगता है, सब पुराने गमों को भूल जाते हैं और जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। और जब 2 साल बाद वो शिक्षक फिर आते हैं अपने मतलब घर पर, तो उनके परिवार में सब एकदम चारों तरफ खुशहाली का माहौल रहता है। यह देख कर मतलब वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब उनको ये बात समझ में आती है कि इंसान मतलब अगर हम रहें या ना रहें, हमारे रहने या नहीं रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब जो कुछ भी दर्द होता है वो कुछ दिन तक रह करके और सब ठीक हो जाता है, बाद में सब बराबर हो जाता है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, इंसान को जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए और उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं रहूँगा तो ये दुनिया नहीं चलेगी, सुबह नहीं होगा, शाम नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक छोटी सी कहानी थी जो जीवन को मतलब बदल सकती है। तो खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए अपने ज़िंदगी में। धन्यवाद।